क्या आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्पीड काफी स्लो हो गई है? तो परेशान मत होइए, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मेथड बताने वाला हूँ जिनका उपयोग आप अपने लैपटॉप या पीसी पे करने के बाद उस लैपटॉप उस पीसी की स्पीड पहले से बेहतर देखने को पाएंगे। और इसके साथ ये भी जानने को आपको इस वीडियो में मिलेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें टाइम टू टाइम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर इन छोटी चीजों को हम इग्नोर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पीसी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर देता है बाद में। तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए और टाइम टू टाइम ध्यान देना चाहिए, इसके साथ स्पीड कैसे फास्ट करनी है, क्या क्या स्टेप हमें जो है इस लैपटॉप और डेस्कटॉप में जो है फॉलो करते रहना है टाइम टू टाइम, जिससे आपका पीसी का हार्डवेयर भी ओके रहे और आपका पीसी बिल्कुल स्मूथली चले। तो अगर आपको ये सारी जानकारी जाननी तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है अपने पीसी में, तो यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको देखते रहना, चाहे आप लैपटॉप यूजर हो चाहे डेस्कटॉप यूजर हो। अगर लैपटॉप यूजर होंगे तो जहाँ पे भी आपका फैन का जो है फैन एयर निकलती होगी तो यहाँ देखते रहना आपको हीटिंग तो नहीं कर रहा है लैपटॉप, क्योंकि ओवर हीटिंग की वजह से लैपटॉप भी हमारा स्लो हो जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है काफी टाइम तक हम लैपटॉप को जो सर्विस नहीं कराते हैं और लैपटॉप को फैन में काफी डस्ट होने के कारण लैपटॉप को फैन जाम हो जाता है, जिससे एयर पास नहीं हो पाती है। और जब एयर पास नहीं होगी तो हीट करेगा, जब हीट करेगा तो यहाँ पे जब भी कोई एप्लीकेशन हम वर्क करेंगे कोई काम करने कोशिश करेंगे तो लैपटॉप हैंग करेगा, स्लो चलेगा। या मान लीजिए फैन आपका वर्क कर रहा है, हीट कर रहा है, ओवर हीट कर रहा है, इसके अंदर एक कूलिंग पेस्ट होता है, उसको हम टाइम टू टाइम रिप्लेस कराते रहना चाहिए। जब भी हम सर्विस कराते हैं साल डेढ़ साल भर में ये एक बार आपको करा लेना चाहिए, चाहे आपका लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो। इसी तरह से डेस्कटॉप की बात करते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि ये डेस्कटॉप आप देख सकते हैं, इसमें क्या हुआ है, सर्विस ना होने के कारण से फैन इसका जाम हो गया, काफी डस्ट है। यहाँ पे अगर इसी तरह की आप लापरवाही करते हैं तो यहाँ पे होता कि आपको तो नहीं पता चल पाता फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सिस्टम ऑन करते हैं फैन नहीं चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेसर हमारा ओवरहीट होगा, चाहे लैपटॉप के केस में हो चाहे डेस्कटॉप के केस में हो। उसके बाद हमारे कुछ ना कुछ हार्डवेयर पार्ट पे दिक्कत करता है, तो ये चीजें आपको टाइम टू टाइम जरूर देखते रहना है, चाहे आप एक डेस्कटॉप यूजर हो चाहे एक लैपटॉप यूजर हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, आपको छोटी सी चीज लगती है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इस ओवरहीटिंग वाली प्रॉब्लम को जो हम इग्नोर करते हैं या सर्विस वाली प्रॉब्लम को जो हम सोचते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस कराना कोई जरूरी नहीं है, तो इससे होता क्या है, लैपटॉप की हार्ड डिस्क पे इफेक्ट आता है, और हार्ड डिस्क पे जब इफेक्ट आता है तो हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन सारे स्लो वर्क करते हैं। और इसके साथ आपको ये भी देखना है कि आपकी जहाँ पे लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी होती है, जहाँ पे अगर आपका एप्लीकेशन वगैरह स्लो चल रहा है तो लैपटॉप से हार्ड डिस्क की किट किट की आवाज़ तो नहीं आ रही है, डेस्कटॉप से आवाज़ तो नहीं आ रही किट किट की, अगर ऐसी आवाज़ आती है तो यहाँ पे इस केस में हो सकता है हार्ड डिस्क में भी प्रॉब्लम हो। अगर ये सारी चीज़ें ओके हैं फिर उसके बाद क्या चीज़ें आपको करनी जिससे आपके लैपटॉप की स्पीड या पीसी की स्पीड फास्ट हो पाए, तो यहाँ पे पहला स्टेप मैंने बता दिया क्या आपको चेक करना है। दूसरा स्टेप मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पीसी के स्क्रीन पर हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे दिस पीसी ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको चेक कर लेना जितनी भी आपकी ड्राइव है, यहाँ पे कोई भी ड्राइव ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पे रेड हो, रेड तभी होता है जब आपकी ड्राइव फुल हो जाती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके साथ आप कोशिश ये कीजिएगा सी ड्राइव में कम से कम लोड रखिए, सी ड्राइव वो ड्राइव होती है जिसमें हमारी विंडोज की फाइलें होती हैं सारी, और जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो होता है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे अभी ज्यादा एप्लीकेशन नहीं, एक ही एप्लीकेशन है यहाँ पे, और इसके साथ जो कुछ आप डाउनलोड करते हैं उसको भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। जैसे डाउनलोड कोई चीज करते हैं डाउनलोड में जाता है, यहाँ से उठा के उसको आप अगर काम का है तो ठीक है उसको डी ई ड्राइव में रख लीजिए, नहीं काम का डिलीट कर दीजिए, जिससे ये होगा कि सी ड्राइव पे आपके कम से कम लोड रहेगा, और जब कम लोड रहेगा तो स्मूथली चलेगा, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके साथ यहाँ पे हो सकता है काफी सारे एप्लीकेशन भी आपने डाउनलोड किए हों जब आपको कोई जरूरत रही हो, फिर उसके बाद जब जरूरत नहीं रही होगी तो उस एप्लीकेशन को वैसे पड़ा रहने दिया होगा आपने, उसको डिलीट भी नहीं किया होगा, अनइंस्टॉल नहीं किया होगा, वैसे डिलीट करने कोई मतलब नहीं जब तक अनइंस्टॉल ना करें आप, तो उसको चेक करने के लिए दिस पीसी ओपन कीजिएगा, अनइंस्टॉल या चेंज प्रोग्राम पे जाइएगा, यहाँ पे वो एप्लीकेशन सर्च कर लीजिएगा या जितने भी एप्लीकेशन होंगे सबको एक बार देख लीजिएगा कि इनमें से कौन से वो एप्लीकेशन है जो आपके काम के हैं, जो काम के नहीं होंगे, जैसे ये एप्लीकेशन ये काम का नहीं है तो इसको अनइंस्टॉल पे क्लिक करके अनइंस्टॉल कर दीजिएगा सिंपल। जैसे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके बाद आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। अब इसके बाद यहाँ पे दिस पीसी ओपन करना है, दिस पीसी ओपन करने के बाद सी ड्राइव में जाना है, विंडोज वाली ड्राइव में। अब यहाँ पे प्रोग्राम फाइल आपको मिल जाएगा, इसमें आपको सर्च करना है जो भी आपने डिलीट किया है,
उसकी कोई फाइल तो यहाँ पे नहीं रह गई है, तो यहाँ पे उस जो है एप्लीकेशन का नाम एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता है, तो अगर वो फोल्डर बनाया है तो अनइंस्टॉल करके उस फोल्डर को भी डिलीट करिएगा, फिर पीसी रिस्टार्ट करके ऑन करिएगा। ये सारे स्टेप करने के बाद अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है जिसका नाम है पीसी मैनेजर। ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल जो है पीसी मैनेजर करके सॉफ्टवेयर है, तो इसको हम डाउनलोड करते हैं पहले। ये करीबन 4 MB का सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली हम रन कर देंगे, यस कर देंगे इंस्टॉल करने के लिए, फिर आई एक्सेप्ट पर टिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इस पीसी मैनेजर एप्लीकेशन के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पे इससे कंट्रोल कर सकते हैं, और काफ़ी सारे पीसी में जो अनवांटेड फाइलें रहती हैं, चेचिस फाइलें रहती हैं, उनको यहीं से हम डिलीट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितनी वीडियो आपने देखी होगी पीसी बूस्टअप वाली, उसमें कई स्टेप करने रहते हैं, उन सबको मिला के एक सॉफ्टवेयर ये कर देता है पीसी मैनेजर। यहाँ पे पीसी मैनेजर सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले हम बूस्ट पर चेक कर लेते हैं। बूस्ट पर जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी यूज बता दिया, टेम्परेरी फाइल बता दिया, हेल्थ चेक में जाते हैं। अभी हेल्थ चेक में यहाँ पे हेल्थ चेक कर रहा है, लुकिंग फॉर इशू यहाँ पे अभी कंप्लीटेड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो क्लीन अप करने के बाद प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे, जिससे टेम्परेरी फाइलें वगैरह जो भी इसने जो है स्कैन करके दिया है ये हमारी डिलीट हो जाएगी। फिर स्टोरेज मैनेजर पे जाके यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप जो है डीप क्लीनर कर सकते हैं। डीप क्लीनर पे जैसे क्लिक करेंगे तो डीप क्लीनर में स्कैन करके सारी चीज़ें दिखा देगा यहाँ पे। इससे यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें स्कैन कर सकते हैं, जैसे 2.1 GB की जो स्कैनिंग यहाँ पे लाया, जिसको आप क्लीन अप कर सकते हैं। ये खुद ही बता देगा क्या काम की है क्या नहीं काम की है। यहाँ पे 2 GB से ज़्यादा कुछ ऐसी फाइलें हैं जो हमारी काम की नहीं, जिसको हम क्लिप कर देते हैं। मतलब 2 GB एक काफ़ी बड़ा साइज होता है अगर आपका सिस्टम स्लो चल रहा है तो, और सिस्टम की स्पीड काफ़ी अच्छी नहीं है, तो 2 GB की अनवांटेड फाइलें भी रहना काफ़ी बड़ी दिक्कत है आपके सिस्टम में। इसके साथ मैनेज लार्ज फाइल यहीं से चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने PC में अगर चेक कर सकते हैं कौन सी ऐसी वो फाइलें हैं, स्टोरेज अगर आपका फुल हो गया है, सी ड्राइव में कौन सी ऐसी वो फाइलें हैं जिनका साइज़ ज़्यादा है। यहाँ से साइज़ सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली यहीं से उस फाइल को व्यू कर सकते हैं। मान लीजिए 50 MB की हमें साइज़ चेक करनी है कि 50 MB का साइज़ वाला कौन सी वो ऐसी फाइल है जो हमारी सी ड्राइव में है, तो यहीं से हम डायरेक्टली इस पर क्लिक किया हमने। अब ये स्कैनिंग करके ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके दिखा देगा अगर 50 MB की कोई फाइल होगी, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, पिक्चर्स हो, या फिर वीडियो ऑडियो अदर कुछ भी हो। यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया, यहाँ पे ये सारी फाइलें हैं जो कि 50 MB से ज़्यादा की साइज़ है इसकी, तो आप वहीं से चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद बैक आते हैं, यहाँ पे मैनेज ऐप का ऑप्शन दिया, यहीं से सारे मैनेज ऐप हम एप्लीकेशन जो है ओपन करके देख सकते हैं कौन से ऐप हमारे काम के हैं कौन से नहीं हैं। स्टोरेज सेंस का भी यहीं पे ऑप्शन दिया है, यहीं से स्टोरेज को हम मैनेज कर सकते हैं, टेम्पररी फाइल वगैरह। इसके साथ अब यहाँ पे बैक आते हैं, बैक आने के बाद प्रोसेसर मैनेजमेंट में जाते हैं, सबसे गजब का फीचर्स है। अब यहाँ पे क्या है, पहले क्या होता था आप जो है डायरेक्टली जो है टास्क मैनेजर ओपन करके वहीं से सारी चीज़ें मैनेज करते थे, लेकिन प्रोसेसर मैनेजमेंट में ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे वो एप्लीकेशन आ गए हैं जो बैकएंड में रन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ये हमें काम का नहीं तो डायरेक्टली यहीं से एंड कर सकते हैं। ये इतने एप्लीकेशन जो है रन कर रहे हैं अभी तक का, और इतना यूज ले रहा है मेमोरी हमारा, जो कि सबसे ज़्यादा यूज हमारा क्रोम है, आपका हो सकता है कोई और जो है ब्राउजर वहाँ पे या कोई एप्लीकेशन ले रहा हो यूज, तो इसको एंड कर दीजिएगा। जब आपको जरूरत होगा जब उसको ओपन करिएगा, तो इससे भी पीसी पे कम लोड हो सकता है। स्टार्टअप ऐप में देखते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे ऐप हैं जो स्टार्टअप में हमारे रन कर रहे हैं। अगर आपको उन ऐप की रिक्वायरमेंट नहीं तो यहीं से ऑफ कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको ऑन रहने दे सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एंटीवायरस आपने लाइसेंस एंटीवायरस डाल रखा पीसी में, उसको यहाँ से ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि एंटीवायरस का जो है स्टार्टअप ऑन रहना चाहिए, हमेशा वो काम करते रहना चाहिए। बाकी सारी चीजें आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन जो काम के नहीं उनको ऑफ कर देंगे तो जाहिर सी बात है पीसी में लोड कम लेगा और स्पीड आपकी फास्ट रहेगी। तो ये तो हो गए क्लीनअप वाले फीचर्स। अब सिक्योरिटी वाले फीचर्स में जाते हैं, यहीं से सिक्योरिटी फीचर्स में आप जो है थ्रेट्स वगैरह भी स्कैन कर सकते हैं डायरेक्टली यहीं से। तो ये एक एप्लीकेशन पीसी मैनेजर नाम का जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल, जो कि बीटा वर्जन में अभी है, ये काफ़ी सारी चीज़ें यहीं से मैनेज कर देता है, जिससे और सारी चीज़ें बताने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसके बाद यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप एक कोई लाइसेंस एंटीवायरस जरूर रख लीजिएगा पीसी में। जैसे मेरे में क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी हमने रखा हुआ है अभी,
और टाइम टू टाइम इसको स्कैन जरूर करते रहिएगा। आप फुल सिस्टम स्कैन, मेमोरी स्कैन, जो भी फीचर्स आप में होंगे, बाकी एंटीवायरस इंस्टॉलेशन के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। और इन सब के बावजूद भी अगर ये सारे स्टेप आप करते हैं, इनके बावजूद भी स्पीड आपकी पीसी की बूस्ट नहीं होती या लैपटॉप की बूस्ट नहीं होती, फास्ट नहीं होती, तो आप अपने पीसी का जो है विंडोज रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सर्च बॉक्स में टाइप करके अगर सर्च करेंगे रीसेट दिस पीसी, तो यहाँ से पीसी आप रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, एक कीप माय फाइल, एक रिमूव एवरीथिंग। इसका डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है विंडो 10 और विंडो 11 का, किस तरह से पीसी रीसेट करें अगर डेटा आपको बचाना है, अगर डेटा नहीं बचाना है तो कैसे रीसेट करें, दोनों ऑप्शन से मौजूद होते हैं। वैसे मैं कहूंगा कि बैकअप आप जरूर ले लीजिएगा, उसके बाद ही रीसेट करिएगा। इसके साथ अगर आपके पास बजट है, बजट अलाउ करता है, पैसे हैं कुछ एक्स्ट्रा आप जो है पीसी में ऐड कर सकते हैं, तो आप रैम और एसएसडी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने ओल्ड पीसी में स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनका आप उपयोग करके पीसी की स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वीडियो में कुछ एप्लीकेशन, कुछ ऐसे आपको सेटिंग मिल जाएगी जिससे स्पीड सेटिंग वेटिंग करने के बाद स्पीड आपको फास्ट देखने को मिली होगी, ऐसा उन्होंने बताया होगा वीडियो में, लेकिन वो करके आप देख लीजिए, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या उससे ऐसा लाभ होता है। तो यहाँ जो जेन्युइन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी जैसी इच्छा, अगर आपको लगता है उससे स्पीड फास्ट होती तो जाके वो स्टेप भी करके ट्राई कर लीजिए। क्योंकि सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जितनी क्षमता रहेगी उतना ही लोड देगा। हाँ, पीसी में कुछ हद तक आप स्पीड अपने हिसाब से जो है अचड़ा कचड़ा हटा के जो है उसको फ्री कर सकते हैं जिससे स्मूथली चले। तो अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट मिला होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।